हमसे उन मुल्क से किसका अपराध हुआ है तो वह हमारे सर्वदेश है। और वैसे भी नागों को हमने एक अलग प्रकृति माना गया है, पशुओं में हमारे शास्त्र में नागों को नहीं माना गया। मेरा नाम राकेश कुमार भट्ट है और मेरा राजस्थान जेएन सिविल डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है और मेरा आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं इसके मेरी कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का योगदान रहा है, प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर इन सबका मैं मेरे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। नागपंचमी पर नागकुंड पर किए अनुष्ठान। नागपंचमी के मौके पर शुक्रवार को पुष्कर में स्थित पंचकुंड में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। तीर्थ नगरी में आज नाग पंचमी के पावन अवसर पर नागपाड़ी स्थित पंचकुंड में नागकुंड पर कई श्रद्धालुओं ने दोष निवारण के लिए पुरोहितों के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ धार्मिक अनुष्ठान किए। विशेष रूप से काल स्पर्श दोष निवारण के लिए नागकुंड पर नाग नागिन के जोड़े की पूजा हुई। इसके अलावा पितृ दोष निवारण और मांगलिक दोष निवारण के लिए भी श्रद्धालुओं ने अनुष्ठान किए। पंडित महेश चंद्र शास्त्री ने बताया कि नागपंचमी के अवसर पर इन अनुष्ठान का बहुत लाभ होता है। आज प्रदेश के अनेक हिस्सों सहित देश के दूसरे राज्यों से भी श्रद्धालु पहुंचे। सब दोष होता है, पितृ दोष होता है, कोई मांगलिक होता है, तो यहाँ पे नागकुंड के ऊपर पंचकुंड पे जो नागकुंड है उस नागकुंड के ऊपर इसकी शांति कराई जाए तो इसमें काल सर्व दोष जो है वो सब समाप्त हो जाते हैं, पितृ दोष समाप्त हो जाते हैं और अन्य और भी कोई दोष होते हैं वो भी सब समाप्त हो जाते हैं। कहाँ कहाँ से आ रहे हैं लोग यहाँ पूजा? यहाँ लोग आज ब्यावर से हैं, किशनगढ़ से हैं, दिल्ली से हैं, मतलब अनेक शहरों से, यहाँ पर राजस्थान के अनेक जो प्रांत है वहाँ से आ रहे हैं। राजस्थान के अलावा अन्य जो राज्य हैं वहाँ से भी यहाँ पे लोग बात बता रहे हैं। आपका नाम? महेश चंद्र शास्त्री। देखिए, श्रावण मास का शुक्ल पक्ष नागपंचमी के नाम से जाना जाता है। आज के दिन नागों की उत्पत्ति मानी गई है और जैसा कि सबको विदित है अपनी धरती भी शेष नाग के फल पे भी स्थापित है और नागों के हजार कुल है लेकिन नौ कुल जो होते हैं वो देवताओं तुल्य होते हैं। उन नौ कुलों में से यदि हमसे उन कुलों में से किसका अपराध हो जाए तो वह हमारे सर्वदोष लगता है। और वैसे भी नागों को हमने एक अलग प्रकृति माना गया है, पशुओं में हमारे शास्त्र में नागों को नहीं मानते हैं, नागों को देवतुल्य मानते हैं। तो आज के दिन हम नाग देवता की पूजा करते हैं, उनकी स्तुति प्रार्थना करते हैं, उनके लिए व्रत रखते हैं, कच्चा खाना खाते हैं, कई लोग एक दिन का बना हुआ भोजन करते हैं, ठंडा भोजन करते हैं और यथाशक्ति नागों की पूजा करते हैं। तो जैसे कि शास्त्रों में वर्णन है कि नागों की उत्पत्ति ही स्थान पुष्कर से हुई है और नागों को गरुड़ जी के द्वारा अभयदान भी पुष्कर से ही मिला है और नागों की माता मनसा देवी ने भी पुष्कर में ही भगवान श्री कृष्ण से तपस्या भगवान श्री कृष्ण की तपस्या करी है और उच्च पद को प्राप्त किया है। पुष्कर में नाग देवता की पूजा करने का वैसे भी बहुत अद्भुत महत्व है और यहाँ पंचकुंड में जो नागकुंड है वहाँ का और भी अच्छा महत्व है नाग देवता की पूजा करने का और पुष्कर तीर्थ में भी नाग देवता की पूजा करने का महत्व है। आज हम भी यहाँ नाग देवता की पूजा करने के लिए आए हैं और सभी भगवान नाग देवता की पूजा करके उनसे सुख शांति का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और सभी के मंगल कामना हम भी करते हैं कि सभी का मंगल हो, सकल विश्व का कल्याण हो। कुंडली पे भी फर्क पड़ता है? बिल्कुल, जिनकी कुंडली में यदि राहु केतु के द्वारा नाग सर्प जो काल दोष है उसका नाग काल सर्प योग का दोष आता है या नाग बलि का दोष आता है या यदि किंचित कोई सर्प दोष आता है तो उसका निवारण भी आज के दिन नाग पूजा करने से हो जाता है। और नाग वैसे भी नाग पंचमी का व्रत सभी को करना चाहिए। प्राचीन काल में हमारी माताएं बहनें अपने प्रिंडे के जहाँ पानी का प्रिंडा हुआ करता था वहाँ काजल का सर्प बना करके उनकी पूजा किया करती थी और भीगे हुए चने, भीगे हुए मूंग, इनका भोग और दूध का भोग लगाया करती थी।